जब पैसे होंगे पढ़ेंगे कहाँ से? हम आप रात भर गोलियां चलाते हो, रात भर आवाज़ें देते हो, हम कहाँ पढ़ेंगे? ना दिन में चैन ना रात में चैन। आप ये बताओ, जो बच्चा स्कूल में बैठा हुआ था किसी की आंख में लगा? हाँ, जो स्कूल में बैठा पढ़ रहा था किसी आंख में नहीं लगा? हाँ, और क्या लगा? आपको बताऊंगा, 2008 में पता है किसकी मौत हुई? मोमिन फारूक की। वो क्या, वो मैं स्कूल में पढ़ रहा नहीं था, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। आप जाहिद फारूक की बात कीजिए, वो क्या कर रहा था? आप वो तहगांव वाले की शहीद उसकी बात कीजिए, जो शहीद खालिद भाई वो दुकान पर था बेचारा, हमारे साथ ही बाहर था, वो हमारे साथ ही काम करता था, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, अब दुकान भी चला रहा था। उसका भाई भी आर्मी में था, आर्मी मार उसको क्यों बेगुनाह मारा गया? हादसे होंगे, हादसों में तो कौन हो सकता है? हादसे में तो फौजी मरता है, पुलिस मरती है, आम आदमी मरता है। इंडिया की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए ना, क्योंकि क्यों पढ़े लिखे नहीं, क्यों एक लाख रुपए एक प्रतिशत तनख्वाह ले रहा है, 1,00,000 रुपया अच्छी तरह से रॉयल फैमिली से है, फिर वो क्यों मिलिटेंसी ज्वाइन करता है? आप बोलते हैं कोई पत्थर लगाता है, 500 के लिए कोई पत्थर नहीं लगाता, 1,000 रुपया के लिए कोई पत्थर नहीं, अपनी जान नहीं देगा। ये सब मिलकर सुलझाने वाली बात है, आपको बताऊंगा। इस वक्त मिल्टन में जब अफसर गजवत जाकिर मूसा आप वो रिच फैमिली नहीं है, बल्कि डोंट शूट फोटोज। मैं फिर भी डरता नहीं हूँ, ना डरते हैं ना झुकते हैं, हम लड़ते लड़ते मरते हैं। कश्मीर क्या आवाज है हम भाई मेरे, इसमें आपको डराता कौन है? नहीं, आप कह रहे हैं ना, मैं आपको डराता हूँ, बता रहे इनको नौकरी, हम नौकरी के लिए आजादी नहीं मांग रहे। आप फैमिली देखिए, जाकिर मूसा की फैमिली देखिए, लॉयल फैमिली, इंजीनियर सिस्टर इज बैंक मैनेजर, he is a big man lord, why he joined the militancy, what are the causes behind it? ठीक है ना, आराम से ध्यान रखो, ये अपनी पढ़ाई लिखाई करो, आपने इंजीनियर बनो, आपने जाकिर मूसा बनना है कि फैजल शाह बनना है, वो आपकी मर्जी है, उसका फैसला आपने करना है। तो हर समाज में हर तरह के आदमी मिलेंगे आपको, इन 15 में फैजल शाह तो बनना है। हाँ, मैं कलम से, हम कलम से, कोई जंग लड़ता है कलम से, कोई जंग लड़ता है पेन से। मैं आपको शाह फैसल की बात फिर याद नहीं है, उसने कहा इंडिया इज ए रेपिस्तान, एज यू नो इंडिया इज ए रेपिस्तान। नहीं जनाब, बात ये है ना, उसने क्या बोला है वो आप उससे पूछ लो जाके, लेकिन आप अपने बहुत है। मुझे पता आप क्यों यहाँ आए हो, आप बताए हम कश्मीरी के साथ अच्छे रिलेशन करने चाहते, मगर आपके लोग आप वो गलती करते हैं, आपकी एजेंसियाँ राज जैसी एजेंसियाँ उतनी गलतियाँ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना हमें हिंदुस्तान, नो टू नेशनलिज्म, नो टू डेमोक्रेसी, कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम। Not जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, ये हमारे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, अब देखिए इनके रिलेशन कैसे हैं। ना डरते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप ये वीडियो देख रहे थे अब उसा कुफवारा से, द विलेज ऑफ स्टोन पेल्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।